हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। फ्रेंड देखिए, मैं सारे काम सुबह के कर चुकी हूँ, नहा धो चुकी हूँ और पूजा कर रही हूँ। सुबह की शुरुआत पूजा से ही होती है। पूजा कर लो तो ऐसा लगता है पूरा दिन बहुत अच्छा रहा, पूजा ना करो तो ऐसा लगता है कुछ कमी है, हमने कुछ कोई काम अधूरा छोड़ दिया और मन में भी सुकून सा नहीं रहता है। तो बस पूजा कर लूँगी, उसके बाद नाश्ता वास्ता करूँगी। लंच बनने में थोड़ा टाइम है, तो भी मैं पार्वती के साथ मिलके बनाऊँगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने छुट्टी ली हुई है इस समय आंगनबाड़ी केंद्र से भी 4 दिन की, क्योंकि अच्छा नहीं फील हो रहा है अंदर से। धूप में जाने का दिल ही नहीं करता, धूप में निकलो तो तबीयत ख़राब हो जाती है, गर्मी में भी नहीं रह पा रही हूँ मैं। तो बस पूजा कर लूँगी, उसके बाद काम करूँगी, ड्यूटी तो जाना ही नहीं है, तो थोड़े आराम आराम से ही सारे काम होंगे। मैं कल सब्जी लेकर आई थी ना, तो धनिया भी लेकर आई थी, तो धनिया ऐसे ही रख दी थी, गट्ठे गट्ठे में बंधी हुई थी। तो एक गट्ठा था लगभग 250 ग्राम का था, तो वही लेकर आई थी। तो मैं धनिया छांट रही हूँ, छांट के रख दूँगी, ख़राब ख़राब निकाल दूँगी, और इसके डंठल में मिट्टी रहती है उसको हटा दूँगी ना, तो फिर वो ख़राब नहीं होगी। तो छांट के बस पन्नी में भर के फ्रिज में रख देंगे तो कुछ दिन चल जाएगी, इसीलिए मैं धनिया छांट रही हूँ। 5 बज रहा था और 5 बजे का टाइम हो रहा था, हम लोग लंच वंच करके सो गए थे। और फिर मैंने कहा थोड़ा ठंडा हो गया है, तो मैंने कहा पंखा बंद कर सकते हैं, क्योंकि तो दोपहर में तो कूलर पंखा बंद करके रह ही नहीं सकते मेरे कमरों में, बहुत ज़्यादा आग ऐसी निकलती है। तो मैंने कहा अब झाड़ू लगाने का टाइम हो रहा है शाम का, मैंने कहा पहले पंखा साफ़ कर लेते हैं, और थोड़ा सा और पहुँचना था सब सामान, तो फिर करके फिर झाड़ू लगेगी। तो वही मैं पंखा साफ़ कर रही थी, देखिए कितनी धूल दिख रही है ना पंखे में, सफ़ेद सफ़ेद सा हो गया है बिल्कुल। और पहले मैं इसको कपड़े से ऐसे झड़ा दूँगी, उसके बाद गीले कपड़े से साफ़ कर दूँगी तो चमक जाएगा। और पंखा साफ़ करने के बाद मैं इस कमरे में भी आ गई हूँ, यहाँ पर भी बहुत धूल धूल हो गई थी, तो मैं ये भी साफ़ कर रही थी। इस कमरे में जो बेड पड़ा है ना सिंगल, तो इसमें हस्बैंड लेटते हैं, तो सारा दिन ज़्यादातर वही लेटे रहते हैं, तो सफाई हो ही नहीं पाती है। तो मना कर रहे थे, अभी भी मैंने कहा नहीं, अब इतने समय तो करूँगी मैं, 2-3 दिन से सफाई नहीं हुई है यहाँ की, पोछा नहीं है कुछ भी, गर्मी में बिल्कुल मन ही नहीं करता है कुछ भी करने का। तो बस मैं आज आ गई थी, मैं साफ़ कर रही थी, बहुत धूल निकली, ऐसा लग रहा था जैसे जाने कितने दिनों से साफ़ नहीं हुआ हो यहाँ पर। रोड का किनारा है शायद, इसलिए बहुत धूल आती है, रोज़ साफ़ करो रोज़ धूल दिखेगी, ऐसा है। तो बस ये सब कुछ साफ़ कर लूँगी, उसके बाद फिर झाड़ू लगेगी। देखिए फ्रेंड्स कैसे लगा हुआ है मेरा बेटा अपना सब सामान सेट करने में। मेरा भाई आया था, मेरा भाई रहता है बाहर बेंगलोर में, जॉब करता है, तो वही ये सब कुछ लेकर आया था। मेरा मायका तो इधर ही है, मैं अपने मायके में ही रहती हूँ, और मेरे हस्बैंड भी यहीं जॉब करते हैं, मैं भी जॉब करती हूँ, इसलिए हम लोग यहाँ रहते हैं। और भाई बाहर रहता है जॉब करने की वजह से, तो वो आता है जैसे तो लेकर ही आता है, तो वही लेकर आया था। तो इतना खुश हो रहा था बाबू, ये देखिए मेरे भाई को, मेरा भाई हाय कर रहा है आप लोगों से। और मेरे भाई का लाड़ला है मेरा बेटा, मेरे भाई का क्या, मेरी फैमिली का मामा नानी मौसी सब बहुत प्यार करते हैं मेरे बाबू को, तो वो जब भी जाता है उसको खाने पीने का ढेर लगा ही रहता है। संध्या वगैरह कर चुकी हूँ मैं फ्रेंड्स, और मैं डिनर बनाने जा रही हूँ। मेरा भाई आया था, उसके चक्कर में थोड़ा डिनर में लेट हो गया है, हम लोग बैठ गए उसके साथ में, वो सेवान के चक्कर में आया था। उसका माम बहुत लाड़ला भांजा है भाई का मेरे, तो बहुत ज़्यादा प्यार करता है मेरे बेटे से। तो बस आया था वो, और मैं भी बैठी रही हूँ उन लोग के चक्कर में, बातें करते रहे, तो लेट हो गया डिनर में, और 8:30 बन गया है। अब मेरा डिनर बनने जा रहा है आज, तो बस मैं आज सिंपल डिनर बनाऊंगी, और बस चलती हूँ किचन में, अब डिनर बनाऊंगी अब। और उसके और ये टेबल फैन लगा के रखते हैं हम लोग किचन में, बहुत गर्मी लगती है, तो बस बहुत खड़ा नहीं हो जाता, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, समझ में नहीं आता है क्या करें गर्मी में, तो लगा लेते हैं टेबल फैन। बस चलिए अब डिनर बनाती हूँ, सिंपल बनना है, लौकी की सब्ज़ी और रोटी। मैं लौकी बना रही हूँ, अभी बताइए आप लोगों को। तो बस लौकी डाल दूँगी,
और फिर मसाले ऊपर से डालूंगी। वैसे मैं मसाला भून कर बनाती हूँ, पहले मैं मसाला भूनती हूँ फिर उसके बाद लौकी डालती हूँ, बट आज मैं ऐसे नहीं बना रही हूँ। पहले लौकी डाल दी है, फिर ऊपर से मसाले डालूंगी। सिंपल मसाले वही धनिया मिर्चा हल्दी नमक, और बस मसाले डाल के थोड़ा बहुत अलग पलट दूँगी और ताकि चारों तरफ से हो जाए मसाला, और उसके बाद इसको धीमी आँच पर छोड़ दूँगी। धीमी धीमी आँच में बनती रहेगी और उसके बाद मैं रोटी बना लूँगी। बस यही है आज का सिंपल डिनर, और समझ में आता भी नहीं है इस समय क्या बनाएं। यही है बाज़ार में सब्ज़ियाँ हैं, लौकी है, भिंडी है, तरोई है, यही सब्ज़ियाँ हैं। और गर्मी का टाइम भी है तो बहुत सोच समझ कर सब्ज़ियाँ भी बनानी पड़ती हैं। अभी मेरी गर्मी से तबीयत भी गड़ गई थी, मैं ड्यूटी जाती हूँ ना तो मैं ज़्यादा 2-4 दिन जाती हूँ जब, तो मेरी तबीयत बिगड़ी जाती है। इस समय धूप ज़्यादा है इसलिए, और मुझे गर्मी ऐसे लगता पेट में ज़्यादा हो जाती है, पता नहीं क्या गैस की प्रॉब्लम रहती है मुझे, इसलिए मैं इतनी दुबली पतली भी हूँ, शरीर में खाना लगता ही नहीं है। मैं जबकि बहुत पौष्टिक खाती हूँ फिर भी नहीं लगता कुछ भी, बहुत केयर करती हूँ अपनी। मेरा कोई बेटी नहीं बढ़ रहा है, पता नहीं क्या हो गया है 2 साल से मुझे। और देखिए बस सब्ज़ी मैंने किनारे कर दी है और मैं रोटी बना लूँगी। रोटी भी बहुत थोड़ी सी बननी है और रोटी बन जाएगी, इसके बाद हमारा डिनर कंप्लीट। बस इसके बाद वही छोटे मोटे काम, वही किचन की सफाई, बर्तन, फिर काम कंप्लीट। लगता है किचन के काम कितनी जल्दी निपट जाए इस समय पर, बहुत गर्मी लगती है। डिनर करने के बाद करूँगी आज मैं, बहुत गर्मी लग रही है किचन में खड़ी हूँ तो बस रोटी बना लूँगी। रोटी बना कर जाकर पहले डिनर कर लेंगे सब लोग, फिर डिनर बन चुका है हमारा। ये देखिए सब्जी, और बाबू को परोस भी दिया है इसलिए सब्जी निकली हुई है इसमें से। आइए दिखाती हूँ आप लोगों को, बाबू खा रहा है, ये देखिए बाबू खा रहा है, और पार्वती मेरी थाली भी लगा रही है तो हम लोग खाएंगे अब दोनों लोग। तो बस इसके हस्बैंड अभी नहीं खा रहे हैं, वो थोड़ा लेट खाएँगे, वो लेट ही खाते हैं, मैंने आप लोग को बताया ही हुआ है। देखिए मेरी थाली भी लग गई है, आइए आप लोग भी डिनर कर लीजिए। फ्रेंड्स आज का वीडियो बस यहीं तक था, अगर आप लोग का मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे, और शेयर करिए अपने